दोस्तों अगर आप भी ऐसा एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा पूरा एनिमेशन बनाना सिखाने वाला हूं जिसमें आपको कैरेक्टर कहां से मिलेंगे, कहां से ये रानी और जो राजकुमारी उसका कैरेक्टर लेना है, कहां से आपको हॉर्स लेना है, किस तरह से पूरी एडिटिंग करनी है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच कर लेना, लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए आपको कुछ ऐप्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है इमेज सर्च मेन, तो ये वाला ऐप आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से दोबारा आपको सर्च करना है क्रोमाटोन्स, तो क्रोमाटोन्स को भी यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ पर क्रोमाटोन्स का ये वाला ऐप आएगा, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। दोनों ऐप डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर एक और ऐप की आपको जरूरत पड़ेगी जहाँ से हम एनिमल का एनिमेशन लेंगे। तो एनिमल पोजिंग आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे आप एनिमल पोजिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऐप आएगा, इसको भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तीनों ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको एक और ऐप की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आपके मोबाइल में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीनों चारों ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना एनिमल पोजिंग ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप एनिमल पोजिंग ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आपको ऐसा इंटरफेस मिले और यहाँ पर आपको एक बाय डिफॉल्ट जो भी एनिमल मिलेगा वो आपको यहाँ पर रखना है। इस तरह से यहाँ पर आपको एक एनिमल मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर हो सकता है आपको हॉर्स की जगह कुछ और मिल रहा हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर चेंज वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल आ जाएंगे। अब कोई सा भी एनिमल आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एनिमल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जैसे ये एनिमल है इसको जिस साइड में मूव कराना है उससे उंगली से आप करा सकते हैं। जैसे मैं उंगली से इसको इस साइड में मूव करा लेता हूँ, देखिए इस तरह से। और इसको आपको यहाँ पर देखिए कैमरे वाला ऑप्शन है ये वाला, तो इससे आप छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर भी आप कर सकते हैं। जैसे ऊपर ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे छोटा हो जाएगा, तो आप छोटा बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका ये बैकग्राउंड है इसकी जगह आपको करना है ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वाला कलर आपको चूज करके ऊपर कोने में आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से हो चुका है। उसके बाद देखिए आपका ये जो एनिमल है वो चलेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पोज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है और यहाँ से वॉकिंग वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। जैसे आप वॉकिंग करेंगे तो आपका एनिमल यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर से अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आइज़ वाला ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसकी प्रॉपर तरीके से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेव कर लेना है। जब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हो जाए तो उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऐप सर्च जो आपने डाउनलोड किया था इमेज सर्च मेन उसको ओपन कर लेना है। सर्च मेन को ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको एक सर्च बार मिलेगी। इस सर्च बार में आपको सर्च करना है हॉर्स कार्ट, यानी कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार्टून हॉर्स वाली कार्ट, तो इस तरह से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इमेजेस आएगी, लेकिन आपको वही इमेज लेनी है जिसमें सिर्फ गाड़ी दी हुई हो। तो आपको नीचे जाना है, कहीं ना कहीं आपको एक गाड़ी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये वाली गाड़ी, ये देखिए ये पर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। जो हॉर्स की गाड़ियाँ होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी। अब आप यहाँ से वो वाली गाड़ी ढूंढ लीजिएगा जिसमें राजा रानी की जो गाड़ी होती है वो आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा, आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगी नीचे कहीं ना कहीं। देखिए ये रही, यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी ये रही, देखिए ये वाली गाड़ी रही। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको क्या सेव, यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें सर्च करनी है जिसका नाम है, जैसे रस्सी हो गई, जो घोड़े पर जो रस्सी बांधेंगे वो वाली रस्सी हो गई, घोड़े पर रखने वाली जो चीज़ होती है यानी कि जो उसके ऊपर रखा जाता है ब्लैक कलर का वो हो गया, तो उसको भी आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे हॉर्स पर रखने वाली चीज़, तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ गई, ये वाली पिक्चर्स यहाँ पर आ गई, तो इसको भी आपको क्लिक करना है ऐसे। और यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाले भी आप ले सकते हैं। जैसे ये वाला है इसको आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे सर्च करनी है ब्लैक रस्सी PNG, तो इस तरह से आप ब्लैक रस्सी PNG यहाँ पर सर्च करेंगे तो ब्लैक कलर की इस तरह की रस्सी आ जाएंगी। तो इसको भी आपको यहाँ पर एक रस्सी, कुछ ऐसी रस्सी आपको यहाँ पर ले लेनी है, एक और एक रस्सी ऐसी ले लेनी है, दो तरह की रस्सी आपको ले लेनी है अलग अलग कलर की। तो रस्सी हो गई। अब आपको यहाँ पर एक जो हॉर्स को चलाने के लिए जो स्टिक होती है वो भी आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हॉर्स स्टिक PNG,
हॉर्स स्टिक पीएनजी आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी यहाँ पर आपको ये सी स्टिक्स मिल जाएंगी। आप कोई सी भी एक स्टिक यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे जैसे मान लीजिए इस वाली को करना है या फिर ये वाली देखिए कुछ इस टाइप की होती है, वो जो हॉर्स चलाने वाला होता है उसके पास ऐसी कुछ लकड़ी होती है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है इस एरर पर क्लिक करके। ये हो गया। उसके बाद आपको जो अपनी गाड़ी पर फ्लैग लगाना है वो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फ्लैग, तो फ्लैग आप जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर फ्लैग आ जाएंगे। अब जैसा भी आपको फ्लैग लेना है, जैसे ये भगवा कलर का हो गया, तिरंगा हो गया, कुछ और भी आप रेड कलर का जो भी आप लेना चाहें, जैसे ये देखिए ये वाला कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लेरा नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर इसका लेरा तो हुआ चाहिए, तो ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप पर आपको क्लिक करना है और एनिमेटेड पर क्लिक करके सर्च विद दिस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी फ्लैग मिलेंगे वो लहराते हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जैसे ये वाला या कुछ भी आप जो भी फ्लैग लेना चाहें आपको नीचे मिल जाएंगे, जैसे ये वाला है या फिर कुछ और आप फ्लैग लेना चाहें और कलर का जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला लेना तो इस वाले एरो पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इन सबका यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। जब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए सबका, तो उसके बाद आपको चले जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर। जैसे मैं यूज़ करता हूँ काइनमास्टर को, तो काइनमास्टर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और सोलानो की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सोलानो की रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है इमेज एसेट्स का, तो यहाँ पर क्लिक करके वाइट कलर का एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। उसके बाद इस पेरिवल लाइन को पकड़कर इस साइड में ड्रैग करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब जितनी लेंथ आप बढ़ाना चाहें यहाँ पर बढ़ा लीजिए। उसके बाद ये कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीन कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो इमेज सर्च में से जो डाउनलोड किया था उन सबका बैकग्राउंड रिमूव करके एक एक को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपने डाउनलोड कर रखा है बैकग्राउंड रिमूव करके, उसमें से जैसे मान लीजिए आपने ये वाली गाड़ी का बैकग्राउंड रिमूव किया, उसके बाद वहाँ से आपने ये वाली जो रस्सी वो ली, उसके बाद ये वाली स्टिक ली, तो इन सबको यहाँ पर ले लेना है। तो ये देखिए ये स्टिक यहाँ पर आ चुकी है, मैं इसको छोटा करके साइड में रख देता हूँ और इसको भी यहाँ पर छोटा करके मैं एक साइड रख देता हूँ। बाकी ये जो गाड़ी है उसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख लेता हूँ और यहाँ पर इसकी लेंथ को आपको इस पीली लाइन को पकड़कर आगे की ओर ड्रैग करना है, तो जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब जितना आपका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड है उसके बराबर आपको इसको कर लेना है। इसके बराबर हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपने मैं वापस से आपको एक चीज़ डाउनलोड करना भूल गया, वहाँ से आपको इमेज सर्च मेन से डाउनलोड करना है जो हॉर्स कार्ट व्हील आपको सर्च करना है वहाँ से, और हॉर्स कार्ट के व्हील की पीएनजी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो आपको मीडिया पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है और यहाँ पर उस व्हील को, यहाँ पर देखिए मेरे ये व्हील रहे, इनमें से किसी भी एक व्हील को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब आपने ये जो व्हील लिया, ये वाला व्हील, ये व्हील मैंने यहाँ पर ले लिया है, उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस व्हील को सेलेक्ट करके आपको इसकी भी लेंथ इस तरह से बढ़ा लेनी है। अब आपने जितनी और चीज़ों की भी लेंथ रखी है उस हिसाब से आपको इसकी लेंथ रख लेनी है। अब ये देखिए ये इस तरह से आ गया। उसके बाद आप जैसे इस व्हील को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओवरऑल एनिमेशन का, तो इस पर चले जाना है और लास्ट में जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका व्हील घूमने लग जाएगा। अब आपको इस व्हील को आपको सेलेक्ट करके इस पर रख देना है, इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस व्हील को सेलेक्ट करके रखना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर लेना है डुप्लीकेट। जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे तो ये दो हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पर छोटा करना है और यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है, इस वाले व्हील पर, आगे वाले व्हील पर इसको सेट कर देना है अच्छे से। अब देखिए आपकी यहाँ पर हॉर्स कार्ट यहाँ पर चलते हुए दिखाई देगी। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कार्ट यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। अब इसको आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और जो आपने जो एनिमल पोजिंग ऐप है वहाँ से हॉर्स की आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जाकर उस वाली हॉर्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए इसका आगे का पार्ट यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे निकालना है और रेड लाइन को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर देखिए रेड लाइन को यहाँ पर रखकर इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पर कैची वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। तो जैसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर कट लग जाएगा। अब आगे वाला बेकार पार्ट है उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करके उसको डिलीट कर देना है और इस वाले पार्ट को इस तरह से आपको उठाकर आगे खिसका देना है। आगे खिसकाने के बाद इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना है और मिक्सर पे क्लिक करना है और यहाँ से वॉल्यूम को जीरो कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉपिंग, तो क्रॉपिंग पे जाकर यहाँ पर क्रॉप कर लेना है इस तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको फिर से नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोमा की, ये देखिए क्रोमा की, तो इस पर इनेबल कर देना है। जैसे आप क्रोमा की को इनेबल करेंगे तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा, वो भी हॉर्स का। तो उसके बाद आपको हॉर्स को इस तरह से बड़ा कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से रख देना है। देखिए इस तरह से आप रख देंगे, इस तरह से
इस तरह से रख देना है। इस तरह से हॉर्स को रखने के बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना है और यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हॉर्स पर रखने वाली चीज़ वो आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव कर रखा होगा तो उसको यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद क्रॉपिंग पे जाना है और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको यहाँ पर इस तरह से इस हॉर्स पर छोटा करके इस तरह से सेट कर देना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सेट हो गया। अब इसकी भी लेंथ को आपको और सबकी लेंथ के बराबर कर लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देखिए आपने जो ये स्टिक वगैरह डाउनलोड कर रखी है ये वाली यहाँ पर ले रखी है उसको यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाली स्टिक है तो इसको यहाँ पर आपको ऐसे इस पर रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और छोटा करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह से रख दिया है हमने इस स्टिक को। उसके बाद ये वाली जो स्टिक है, ये वाली नीचे वाली जो रस्सी है, इसको हम करेंगे ऐसे करेंगे इसको और ऐसे घुमाकर इसको यहाँ पर ऐसे उल्टा घुमा देंगे। क्रॉपिंग पे जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे कुछ इस तरह से क्रॉप। अब इस तरह से क्रॉप करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर सेट करके यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको लाएंगे यहाँ पर ब्रिंग फ्रंट, तो इस पर ले आएंगे इस तरह से। अब इस तरह से लाने के बाद यहाँ पर इन सबकी लेंथ को इस तरह से बढ़ा लेंगे, इनको सबको बराबर कर लेंगे। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे ये जो रस्सी है वो घोड़े को और ये जो काट है उन दोनों को जोड़े हुए है। ऐसा लग रहा है ये कि इन दोनों को ये जोड़े हुए है ये वाली रस्सी, तो इसको यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो फ्लैग आपने डाउनलोड किया था उस फ्लैग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्लैग यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। अब इसको हम ऐसे घुमा देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से उठाकर इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट करके। उसके बाद इसकी लेंथ को भी हम और जो वीडियो की लेंथ है उसके बराबर यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब देखिए आपका जो ये हॉर्स कार्ट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर चलते हुए दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपकी ये हॉर्स कार्ट यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर कैरेक्टर लगाएंगे और इसमें कैरेक्टर बिठाएंगे वो कैरेक्टर लाने की बारी है। तो वो कैरेक्टर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए भी आपने एक ऐप डाउनलोड किया था जिसका नाम है क्रोमाटोन्स। तो उस क्रोमाटोन्स को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ क्रोमाटोन्स पर और क्रोमाटोन्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे क्रोमाटोन्स को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर चार कैरेक्टर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अब इन कैरेक्टर की जगह आपको अपने कैरेक्टर लेकर आने हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वाले जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करके ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड फर्स्ट पर क्लिक करना है व्हाइट कलर के डिब्बे पर, और यहाँ से ग्रीन बीज को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। हो गया। उसके बाद आपको इस साइड में आना है और यहाँ पर देखिए कैरेक्टर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और ये जो कैरेक्टर फर्स्ट है इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैरेक्टर। अब यहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेन वन, मेन टू, मेन थ्री यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मेन थ्री, ये इस तरह से मेन थ्री, ये वाला मेन थ्री ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है नन, और यहाँ भी नन कर देना है, यहाँ भी नन कर देना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये वाला कैरेक्टर लेना है और इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसका मुंह ये इस साइड में उसको इस साइड में करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से ये फ्लिप वाले आइकन पर टिक कर देना है। इसका मुँह घूम गया। अब आपको यहाँ पर इसका बैठने वाला एनिमेशन तैयार करना है। तो बैठे कैसे ये, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मूव है, इसमें आपको आइडल रखना है और मूव फर्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग आइडल का एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा सेटिंग आइडल, इस पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए सेटिंग आइडल पोजीशन में यहाँ पर जा चुका है। अब आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है कैंसिल। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे। अब आप आसानी से यहाँ से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अब आपको जैसे ये जो बैठने वाली सेटिंग पोजीशन आपने की थी उसके लिए आपको क्या करना है, इस कैरेक्टर पर एक बार उंगली से टच करना है तो ये सेटिंग पोजीशन में चला जाएगा। अभी इसकी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेव कर लेना कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे क्रोमाटोन्स का लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कैंसिल करके ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन वापस से आ जाएंगे। अब आपको इस कैरेक्टर की जगह चाहिए रानी और राजकुमारी वाला कैरेक्टर, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वापस से कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको इस वाले कैरेक्टर को कर देना है नन और कैरेक्टर सेकंड पर क्लिक करके आपको जाना है नीचे। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इंपोर्ट कस्टम का, तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखिए आपको कैरेक्टर का नेम और की कोड डालने हैं, यानी कि रानी और जो राजकुमारी है उसका की कोड यहाँ पर कैरेक्टर का नेम और की कोड डालना है। लेकिन वो आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको गेट मोर कैरेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो क्रोमाटोन्स की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको नीचे जाना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आप और भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे कैटेगरीज में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर, जिसके आगे 10 लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस से एक और पेज ओपन होगा, जिसमें आप नीचे जाएंगे, फिर से स्क्रॉल करना है। अब देखिए ये रहा प्रिंसेस वाला कैरेक्टर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा कैरेक्टर का नेम और ये रहा की कोड, तो इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर आपको क्रोमाटोन्स में पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर नाम और की कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब जैसे लोड पर क्लिक करेंगे तो वो राजकुमारी वाला कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, उसके बाद कैरेक्टर यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको रानी का कैरेक्टर लेना है, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर फोर्थ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में वही आपको इम्पोर्ट कस्टम पर चले जाना है और यहाँ से आपको कैरेक्टर का नेम और की कोड डालना है, जो कि आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी वेबसाइट पर वापस से चलते हैं। तो देखिए ये आपका कैरेक्टर का जो नेम है और की कोड है, वो इसको भी आपको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। देखिए मैंने नाम और की कोड यहाँ पर डाल लिया, उसके बाद फिर से लेआउट पर क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग होने के बाद वो क्वीन वाला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए हो गया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए इन दोनों का फेस एक साइड है, तो इनका फेस आमने सामने करेंगे तो इसका फेस इस साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्लिप वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मूव फर्स्ट भी आपको सेटिंग वाला यहाँ पर चूज कर लेना है। देखिए यहाँ पर सेटिंग आइडल नीचे आता है, तो सेटिंग आइडल पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस वाले का सेटिंग पोजिशन करेंगे तो वह प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर मूव फर्स्ट में आपको सेटिंग आइडल कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेटिंग आइडल, हो गया। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, वही आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप ऑन कर लेना है और रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कैंसिल कर देना है और दोनों कैरेक्टर पर एक बार उंगली से टच कर देना है। तो ये यहाँ पर सेटिंग पोजीशन में चली गई है। अब आपको इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आप चले जाना है अपने क्रोमाटोन्स पर वापस से, सॉरी अपने काइल मास्टर पर वापस। अब यहाँ तक हमारा एनिमेशन हो गया था। अब आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने बैठने वाले जो व्यक्ति की थी, यानी कि मेन थ्री की थी, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ चुकी है। अब आपको मिक्सर पर क्लिक करना है और यहाँ से वॉल्यूम को जीरो कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाकर इसको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको फिर से नीचे जाना है और यहाँ पर क्रोमा की को इनेबल कर देना है, तो इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अब आपको देखिए इसको छोटा करना है और इसको यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर बिठा देना है। देखिए इस तरह से मैं अच्छे से बिठा देता हूँ, इसको यहाँ पर एडजस्ट करके अच्छे से बिठा देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको ये जो छड़ी रखी हुई है, ये छड़ी इसके पैरों के पीछे की साइड आ रही है, इसको आप आगे लाना चाहते हैं तो छड़ी को क्लिक करना है। अब आपकी छड़ी को क्लिक करने के लिए आपको छड़ी को ढूंढना होगा, ये रही छड़ी, तो छड़ी को क्लिक कर लिया। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना सेंटरिंग फ्रंट। अब आपको एक वाइट कलर की रस्सी, आपने एक ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की रस्सी डाउनलोड की थी, तो वाइट कलर की रस्सी को यहाँ पर लेयर पे जाकर मीडिया पे जाकर उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी रस्सी यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरह से आपको घुमा फिरा कर इसको इसके हैंड के आसपास ले जाना है, देखिए इस तरह से। और इसको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ अच्छे से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रस्सी को सिलेक्ट करके रखना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करेंगे तो ये साइड चले जाएगी। उसके बाद इस रस्सी की लेंथ को आपको बढ़ा देना है कुछ इस तरह से, आपको और लेंथ के बराबर आपको यहाँ पर बढ़ा देना है। देखिए ये बढ़ चुका है इस तरह से। अब इस तरह से बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, बैक आना है और लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो रानी और जो राजकुमारी है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब इसका आगे वाला पार्ट बेकार आ रहा है, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर निकालना है थोड़ा सा आगे इस तरह से। करने के बाद इस रेड लाइन को यहाँ पर रखना है और कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर कट लग जाएगा। अब जो बेकार पार्ट है उसको सेलेक्ट करना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है, तो डिलीट हो जाएगा। अब इस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको उठाकर आगे ले आना है और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वापस से सेलेक्ट करना है और मिक्सर पर क्लिक करना है और यहाँ से वॉल्यूम को जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है नीचे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है क्रोमा की को इनेबल सबसे पहले। तो क्रोमा की इनेबल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर वापस से क्रॉपिंग पे आना है और क्रॉपिंग पे आने के बाद इसको कुछ इस तरह से क्रॉप करना है, देखिए इस तरह से। जैसे क्रॉपिंग करने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा छोटा करना है और इस वाले कांच के फ्रेम पर लाकर आपको रखना है, जो कि पीछे वाला दिया हुआ है, इस पर इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपेसिटी का, देखिए ये रहा ओपेसिटी का, तो इस पर जाकर इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, ऐसा लगे कि ये पीछे बैठी हुई है जो कांच में से दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है और अब की बार यहाँ पर इस वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से कर लेना है डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट जैसे करेंगे तो यहाँ पर ये दो पीस हो जाएंगे, यानी कि दो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि फिर से आपको क्रॉपिंग पे जाना है। देखिए मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ पर आपको फिर से क्रॉपिंग पे जाना है और इस अब की बार आपको कुछ इस तरह से क्रॉप करना है, यानी कि सेकेंड वाला कैरेक्टर आपको निकालना है ये वाला, और यहाँ पर इस तरह से निकालने के बाद इसको भी छोटा सा छोटा कर लेना है और इस वाले कांच वाले फ्रेम पर ले जाकर आपको रख देना है इस वाले पर। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको एडजस्ट करके अच्छे से आपको रख देना है। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है बनकर। देखिए आपको यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर हमारा यहाँ पर एनिमेशन बना है। अब आप इसको कहीं पर भी यूज़ में ले सकते हैं, आप इससे एरो वाले निशान पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।